पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर देश भर के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। रांची में उपद्रव के दौरान गोली लगने से जख्मी दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वालों में एक की पहचान मुदस्सिर उर्फ कैसी के रूप में हुई है। वहीं रांची एम्स में अभी 8 लोगों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रदर्शनकारी हैं जिनकी गोली लगने से मौत हुई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इन दो प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतर आए थे। मेन रोड इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाल कर नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। पुतला भी जलाया गया था। इसके बाद देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। जगह जगह आगजनी हुई। हनुमान मंदिर तक भारी पथराव और हिंसक संघर्ष किया, जिसमें रांची के सीनियर पुलिस अधीक्षक, स्थानीय डेली मार्केट के थानादार समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी और दूसरे लोग घायल हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हवा में गोली भी चलानी पड़ी थी। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद झारखंड के अलावा दिल्ली, यूपी समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। झारखंड ही नहीं, यूपी के प्रयागराज और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। श्रीनगर में बंद के बावजूद मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुए। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए और सुरक्षा बलों को कुछ जगहों पर लाठीचार्ज करनी और आंसू गैस के गोले और हवा में गोलियां चलानी पड़ी। यूपी के प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर समेत कई जिलों में भी जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नारेबाजी और पथराव किए। इस मामले में पुलिस ने 6 जिलों से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अकेले प्रयागराज में 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसी तरह बिहार के कम 3 जिलों में कल शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। भोजपुर, मुजफ्फरपुर और नवादा जिलों में शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक सड़क यातायात बाधित रखा और कई घंटों बाद अधिकारियों के समझाने बुझाने पर ही वो घर गए। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।